puede ser. हाँ जी बेटा सुनो, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास से रिलेटेड कुछ टॉपिक, उसी को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो, आपने 10th क्लास में पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यही पढ़ा था बेटा आपने 10th क्लास में। यस सर। अब आज हम आपको इसी चीज को आगे एक्सटेंड करवा रहे हैं। ध्यान से सुनना क्या चीजें बता। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक बातें बता रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा। बचपन में ना आपने डी रखनी सीखी थी, डी की शेप कुछ ऐसी होती थी आपकी। यस सर। डी के अंदर यहाँ पर आता था 0 डिग्री का एंगल, यहाँ पर आता था 30, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90, फिर 120, 150 और फिर 180, ऐसे ही होता था। अगर मैं और आगे चलने लग जाऊं डी को पूरा बना दूं तो यानी कि यहाँ पे 210, 240, यहाँ पर और आगे चलेंगे 270, इस तरीके से हमारे बनेंगे, ठीक है, और ये हमारी डी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बट आई मीन टू से कि हम इस शेप में, इस डायरेक्शन में हम चलेंगे और अपने एंगल्स को आगे बढ़ाते हैं, राइट? तो मेरा क्वेश्चन है, क्या हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं? हाँ जी राजे बताओ। यस सर। हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। और ध्यान से देखना इस ग्राफ पेपर पे क्या क्या हो। देखो बेटा ये 0 डिग्री है, ये 90 होगा, ये 180 होगा, ये 270 होगा और 360 होगा, ऐसा ही होगा बेटा। देखो मेरा ध्यान से, सॉरी पूरा पेज आपको नजर नहीं आ रहा था, अब नजर आ रहा है। यस सर। ये हमारा 0 डिग्री होगा, ये 90 होगा, ये 180 होगा, ये 270 होगा और ये 360 डिग्री। इस तरीके से हम इसी डायरेक्शन में हमेशा चल रहे हैं और मैं दोबारा बोल देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज चल, ठीक है। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसको उसी तरीके से पढ़ना जा रहा था। सोचो बेटा ये आपका घर है, इट इज योर हाउस एंड यू हैव ए जॉइंट फैमिली। ये आपका घर है और अजम्पशन कर रहा हूँ कि आपके घर में एक जॉइंट फैमिली, ठीक है। ये आपके घर का ड्राइंग रूम है, ये आपके घर का ड्राइंग रूम है, ये आपके घर के मम्मी और पापा का कमरा है, मम्मी एंड पापा। ये आपका, आपके ब्रदर या सिस्टर का कमरा, योर ब्रदर और योर सिस्टर, हूएवर ही मेड योर शेप ही मेड। ये आपके घर के अंदर दो जने इस कमरे में रहते हैं, दो जने इस कमरे में। ये आपके घर के चाचा और चाची का कमरा, हर कमरे में दो दो जने रहते हैं। जिस कमरे में जो रहता है, आप सोचो अगर मम्मी पापा कभी आपके कमरे में आ जाते हैं तो मम्मी पापा की वाइब्रेशंस नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव होती हैं आपके कमरे में? सर हाँ जी बेटा नेगेटिव होगी।
नेगेटिव होती है। रीजन क्या होता है, मम्मी पापा आपके कमरे में आते ही ये क्या कर रखा है, ये सामान यहाँ क्यों रख रखा है, है? जब देखो तुम्हारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा रहता है। और ऐसे ही मम्मी पापा के कमरे में जब आप जाते हो तो वहां पर उनके अकॉर्डिंग, जैसे आपके कमरे में आपके अकॉर्डिंगली म्यूजिक चल रहा होता है, मम्मी पापा के कमरे में मम्मी पापा वगैरह के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से म्यूजिक चल रहा होता है, या टीवी में चैनल भी देख रहे हो अपने हिसाब से देख रहे हो, तो आप लोग कुछ और चैनल देखना पसंद। तो यानी कि कहने का मतलब है दोनों की वैल्यू एक दूसरे के कमरे में नेगेटिव होती है, और चाचा चाची के कमरे में तो आप चारों की वैल्यू नेगेटिव होती है। कहने का मतलब है, बट आई मीन टू से, जिस कमरे में जो रहता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, जो जो रहते हैं वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। कौन कौन नेगेटिव है यहाँ पर? आप नेगेटिव, आपके ब्रदर या सिस्टर नेगेटिव, आपके चाचा की वैल्यू नेगेटिव है, चाची की वैल्यू भी नेगेटिव। यहाँ पर मम्मी पापा की वैल्यू नेगेटिव है, मम्मी पापा चाचा चाची सबकी वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पर मम्मी पापा चाचा पर नहीं, आपके ब्रदर या सिस्टर की वैल्यू नेगेटिव। ये बात बेटा समझ में आती है? यस सर। ये आपके घर का ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम घर के अंदर जब कभी मेंटर करते हैं सबसे पहले ड्राइंग रूम ही होता है ना, इसलिए मैंने पहले कमरे को ड्राइंग रूम रखा है। ऐसा तो नहीं है कि पहले आपके घर में कोई भी एंटर करेगा सीधा बेडरूम में पहुंच जाएगा। हर बंदा जो कोई भी आएगा बाहर से पहले सीधा ड्राइंग रूम में आके बैठता है ना। हम किसी भी गेस्ट को आते हैं ड्राइंग रूम में आके बैठाते हैं। मम्मी पापा भी अगर आएंगे तो जाते ही सोफे पे बैठ जाएंगे ड्राइंग रूम के अंदर, क्योंकि बाहर से थके हुए आते हैं सीधा यहीं पे आके बैठते हैं। चाचा चाची भी आएंगे, आप भी आओगे, आप सब आके सबसे पहले ड्राइंग रूम में आके बैठ जाते हैं। और ड्राइंग रूम में सबके सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि मम्मी भी पॉजिटिव, पापा भी पॉजिटिव, आप भी पॉजिटिव, आपके ब्रदर और सिस्टर भी पॉजिटिव, ठीक है, चाचा चाची भी पॉजिटिव, यानी कि एवरीवन पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव, यानी कि एवरीवन नेगेटिव। यहाँ पर हर बाकी चार जनों की वैल्यू नेगेटिव। ये बात समझ में आती है बेटा यहाँ तक? Yes. अब मम्मी पापा का कुछ ना कुछ नाम भी जरूर होगा, है ना? मम्मी पापा का नाम भी होगा, आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, चाचा चाची का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके मम्मी पापा का नाम क्या है। मम्मी का नाम है साइन और पापा का नाम है कॉस, आपका नाम है टेन, आपका नाम है टेन, आपके ब्रदर एंड सिस्टर का नाम है कॉट, साइन थीटा कॉस टेन। चाचा चाची का नाम है कॉस और सेक, ठीक है बेटा। आपका नाम है टेन और कॉट, आपके ब्रदर सिस्टर का। मम्मी पापा का नाम है साइन और कॉसिकेंट, चाचा चाची का नाम है कॉस और सेक। इस तरीके से हम कह सकते हैं फर्स्ट कमरे में सबकी वैल्यू पॉजिटिव है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसिकेंट थीटा, ऑल पॉजिटिव। सेकंड कमरे में टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक नेगेटिव, कॉस नेगेटिव। थर्ड कमरे में टेन और कॉट पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव, कॉसिकेंट नेगेटिव, कॉस नेगेटिव और सेक भी नेगेटिव, ठीक है। इस कमरे में कॉस और सेक पॉजिटिव है, साइन थीटा नेगेटिव है, कॉसिकेंट थीटा नेगेटिव है, टेन थीटा नेगेटिव है और कॉट थीटा नेगेटिव। बताओ बेटा बात समझ में आती है राजे यहाँ तक? हरगोविंद यस सर, यस सर। हाँ जी गोविंद बताओ, बात समझ में आती है बेटा? हेलो गोविंद। यस सर, वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? यस सर आ रही है सर। हाँ बताओ, यहाँ तक बात में कुछ डाउट है? नो सर। अब दूसरी बात, हर कमरे में सपोज करते हैं कि आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, सेकंड फ्लोर पे रहते हो। मैं फर्स्ट फ्लोर को अज्यूम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हर कमरे में दो चीजें जरूर होती है, एक कमरे में दरवाजा जरूर होता है और एक कमरे में कोई ना कोई खिड़की जरूर होती है, राइट? यानी कि हर कमरे में एंटर करने के
दो रास्ते होते हैं, एक दरवाजे के थ्रू और एक खिड़की के थ्रू। खिड़की के थ्रू हम जब जाते हैं, जब हमारा दरवाजा बंद हो जाए और बाई चांस कोई और रास्ता ना मिल रहा, तो हम सीढ़ी लगाकर खंबे के थ्रू, पाइप के थ्रू लटक कर दाएं बाएं घर से आके हम खिड़की के थ्रू अंदर आने की कोशिश करते हैं। और ये ऐसा कभी कभार ही होता है, राइट। यानी कि कमरे में एंटर करने के दो रास्ते होते हैं, एक दरवाजा जहां से कि हम हमेशा आते हैं और दूसरा खिड़की। मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप जब रोज अंदर कमरे में एंटर करते हो, दरवाजे के थ्रू करते हो, खिड़की के थ्रू करते हो? दरवाजे के थ्रू। हाँ जी सर, दरवाजे। खिड़की के थ्रू क्यों नहीं? अगर हम खिड़की के थ्रू करेंगे, अगर हम खिड़की के थ्रू करेंगे रोज के रोज, सुबह शाम दिन रात, अगर हम खिड़की के थ्रू आने लग जाए सीढ़ी के थ्रू सबके सब, तो लोग हमें क्या बोलेंगे? पागल हो गया यार, बेवकूफ है, दिमाग नहीं है, अक्कल नहीं है इस बंदे को, चोर, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर हम रात के टाइम घर रहे हो में घुस रहे होंगे तो कोई बंदा सोचेगा चोर घुस रहा है। तो ऐसे ही कहने का मतलब है, जब कभी हम उस खिड़की को यूज बार बार करेंगे तो लोग हमारा नाम बदल देंगे, यानी कि लोग हमें बेवकूफ समझेंगे, पागल समझेंगे, अक्कल नहीं है समझेंगे। लेकिन अगर हम प्रॉपर दरवाजे से आते हैं तो लोग हमें कुछ नहीं कहते, हमारे नाम में कोई चेंजेस नहीं आता। यानी कहने का मतलब है, एक ऑड दरवाजा होता है, ध्यान से सुनना बेटा, एक ऑड डोर है और एक इवन डोर है। आप मुझे बताओ कौन से डोर का आप यूज करते हो, इवन डोर का या ऑड डोर का? इवन डोर का हम यूज करते हैं। अब कौन से दरवाजे इवन दरवाजे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देखो बेटा, आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं 0, 90, 180, 270 और 360। अगर आप इन सबकी जीरो हटा दो एक मिनट के लिए, तो बताओ क्या क्या नंबर आपको नजर आएंगे? 9, 18, 27 और 36। ठीक है बेटा, नंबर कौन कौन से नजर आएंगे? 9, 18 और 27, राइट, एक नंबर नजर आएंगे बेटा। मेरा क्वेश्चन है, कौन कौन से नंबर ऑड है? सर दो है ऑड। कौन कौन से ऑड? सर 9 और 27। मतलब ये ऑड, ठीक है, मैं इनको लिख रहा हूँ ऑड, इसको भी लिख रहा हूँ ऑड, ये है इवन और ये है इवन, ठीक है। यानी कि दो दरवाजे हैं, दो ऑड हैं और दो दरवाजे आपके पास इवन। अब यहां से बेटा देखो, हम शुरू करते हैं, ये 90 है, हम यहां पर खड़े हैं, सपोज ये समझो दरवाजे हैं सबके सब, 90, 180, 270 और 360। इस दरवाजे से अगर मैं पीछे आता हूँ, पीछे आता हूँ मतलब 90 में से मैं कुछ भी माइनस करूंगा, अंडरस्टूड है? आगे जा रहे तो एंगल बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे तो एंगल कम हो रहे हैं। यस सर। तो जाऊंगा तो 90 में से माइनस करूंगा, आगे जाऊंगा तो 90 में प्लस करूंगा, पीछे आऊंगा तो 180 में से माइनस करूंगा, आगे जाऊंगा तो 180 में प्लस करूंगा। पिछले कमरे में आना है तो 270 में से माइनस करूंगा, अगले कमरे में आना है तो 270 में प्लस करूंगा, पिछले कमरे में आना तो 360 में से माइनस करूंगा और अगले कमरे में आना तो 360 में प्लस करूंगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आती है यहाँ तक? Yes, sir. यानी कि हर कमरे में एंटर करने के दो रास्ते हैं, या तो यहां से एंटर करूं या फिर यहां से एंटर करूं। अगर मुझे इस कमरे में आना है तो मैं 90 में एंगल को ऐड करूंगा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। अगर मैं ऐसे माइनस करूंगा तो भी मैं सेकंड कमरे में आ जाऊंगा, प्लस करूंगा तो थर्ड कमरे में आ जाऊंगा, यहां से माइनस करूंगा तो थर्ड कमरे में आ जाऊंगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? हाँ जी, राय गोविंद बताएं। अभी मैंने आपको एक बात बोली, जब कभी हम ऑड दरवाजे का यूज करेंगे तो हमारा नाम चेंज हो जाएगा। नाम चेंज का यहाँ पर क्या मतलब? नेम चेंज का क्या मतलब है? नेम चेंज, और ये कब होगा? जब हम ऑड डोर को यूज करेंगे। जब हम ऑड डोर को यूज करेंगे तो हमारा नाम चेंज हो जाएगा। ऑड डोर को यूज करेंगे हमारा नाम चेंज हो जाएगा। नाम चेंज कैसे हो जाएगा? साइन का कॉस हो जाएगा, और अगर कॉस है तो वो साइन हो जाएगा, टेन है तो वो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा, सीकेंट है तो कॉसिकेंट हो जाएगा, कॉसिकेंट है तो सीकेंट हो जाएगा। ये नाम चेंज का मतलब है।
ठीक है। और मैंने आपको एक बात पहले ही पढ़ाई है, अभी पढ़ाने से पहले, कि हमारे पास चार कमरे हैं, चार कमरों में दो जनों की वैल्यू पॉजिटिव है और बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव। इस कमरे में भी दो जनों की वैल्यू पॉजिटिव है, टेन और कॉट की, साइन कॉसिकेंट कॉस और सेक की वैल्यू नेगेटिव। इस कमरे में भी कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन कॉसिकेंट टेन और कॉट क्या नेगेटिव। यानी कि हर कमरे में दो जने पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव। लेकिन चौथ फर्स्ट कमरे में सबकी वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ये घर का हमारे ड्राइंग रूम है। बताओ बेटा, इतनी बात आपको क्लियर है? यस सर, यस सर। हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे मैं अब आपको बताता हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहली बात, मैं हमेशा, अच्छा मैं नाम एक बार बताना भूल जाऊं, वो दोबारा लिख देता हूँ, सॉरी। जो फर्स्ट कमरा, सेकंड कमरा, थर्ड कमरा कह रहा हूँ, इसको रियल में हम नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको मैं कमरा कमरा बोल रहा हूँ ना, उसको हम रियल में क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, क्योंकि क्वार्टर है, चार हिस्सों में बराबर है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्वाड रखा। क्वाड का मतलब होता है क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। राय गोविंद, यहां तक बताओ बेटा। कुछ भी पूछना है तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, अगर वॉइस ना आ रही हो बाई चांस, कुछ रह गया हो दिमाग से, या सर, कहीं ध्यान इधर, कुछ भी अगर पूछना चाहते हो पूछ लो, नहीं मैं सर, दोबारा बेटा आपको पूछना चाहते हो सर अभी तो सर सारा क्लियर है सर। बेटा। एक काम कर रहा है, सबसे पहले तो इसको कॉपी कर दे पूरे ठीक है पेज, सर, कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। ये वैसे तो अभी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको समझने में, लेकिन मेरी गारंटी है कि आपकी पूरी क्लास में कोई भी बच्चा आपसे फास्ट इसका जवाब नहीं दे पाए, मेरी गारंटी होगी इस बात। और दूसरी बात, आपकी पूरी क्लास में किसी बच्चे को पूरा साल में चीजें जल्दी समझ में नहीं आएंगी। ये पूरे साल के एंड में भी अगर 12th के बच्चों से पूछते हैं, उनको भी डाउट आ रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए बड़ा ध्यान से पढ़ना, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बताए, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपको ऐसे ही पढ़ना है, ध्यान रखना। आप इसको कॉपी करो राजे, और मुझे बताओ अगर कोई डाउट आ रहा है तो। कोई वर्ड अगर बाई चांस ऐसा लग रहा हो, जो कि मेरी राइटिंग थोड़ी माशाल्लाह है, बाई चांस अगर कोई वर्ड ऐसा लग रहा हो जो समझ में नहीं आ, फटाफट से कॉपी करो राजे, मुझे बता दे, जैसे ही कॉपी होता है बता दियो, मैं फिर नेक्स्ट पेज पे चलूं। यस सर,
यस हाँ जी राजे, राय को हो गया बेटा? हो गया सर। कंप्लीट कॉपी कर लिया राजे? यस सर। बताओ लिखते वक्त बाय चांस कोई ऐसी बात लगी हो कि पूछनी है तो पूछ लो आप मुझसे दोबारा। नहीं सर, अभी तो नहीं है सर। अब बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेन बात, जो इस चैप्टर का मेन मुद्दा है, ठीक है? तो सुनो, आपने जब कभी क्वेश्चन पढ़ोगे, दो क्वेश्चन आपने हमेशा अपने आप से पूछने हैं, दो क्वेश्चन आपने हमेशा अपने आप से पूछने हैं। नंबर वन क्वेश्चन, विच डोर वी यूज्ड, विच डोर वी यूज्ड। नंबर टू, इन विच रूम वी आर, हम कौन से रूम में हैं, विच डोर वी यूज्ड एंड इन विच रूम वी आर। डोर क्या डिसाइड करता है? डोर डिसाइड्स नेम चेंजेस और नॉट, नेम चेंजेस और नॉट, नाम चेंज होगा या नहीं। एंड रूम डिसाइड्स, रूम ये डिसाइड करेगा वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके पास डोर ये डिसाइड करेगा कि आपका नाम चेंज होगा या नहीं होगा। अगर आप ऑड डोर यूज करोगे, ऑड डोर यूज करोगे, नाम चेंज होगा, ठीक है?
P1 डोर यूज करोगे, नो नेम चेंज, कोई नाम चेंज नहीं होगा। ऑड डोर कौन कौन से थे वो आपको पता है, 90 और 270। इवन डोर कौन से थे, 180 और 360। और मैंने आपको बताया था नाम कौन कौन से चेंज होते हैं, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, सेकंड का कॉसेकंड होता है, कॉसेकंड का सेकंड हो जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कौन सा रूम है, फर्स्ट रूम है ऑल पॉजिटिव, सेकेंड रूम है मम्मी पापा पॉजिटिव यानी कि साइन और कॉसेकंड पॉजिटिव, थर्ड रूम में टेन आप और आपका ब्रदर सिस्टर पॉजिटिव यानी कि टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ रूम में चाचा और चाची पॉजिटिव यानी कि कॉस और सीकेंड पॉजिटिव। ये बात मैंने भी आपको बताई थी। अब हम सिर्फ इन्हीं दो बातों के बारे में हमेशा पढ़ेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा, जब कभी आप किसी कमरे में एंटर करते हो किसी भी दरवाजे से, इवन या ऑड मैटर नहीं करता, क्या आप कमरे में एंटर कर जाते हो, दरवाजे को साथ लेके घूमते रहते हो या दरवाजे को छोड़ देते हो? छोड़ देते, दरवाजे को छोड़ दे, मतलब दरवाजे से एंटर कर, दरवाजे को छोड़ दो भी, अंदर घुस जाओ, बात खत्म। यानी कि जब हम किसी कमरे में एंटर करते हैं तो हम दरवाजे को साथ लेकर नहीं घूमते, हम सिर्फ अंदर एंटर कर जाते, दरवाजा छोड़ देते। तो अब देखते हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, क्या हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था? तो पहले मैं आपको 10th क्लास की चीज एक बार दोबारा पढ़ा रहा हूँ और फिर हम 11th क्लास की बाकी चीजों को पढ़ेंगे। हम 11th क्लास के बेस पर बाकी चीजें पढ़ने वाले, देखते साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा। सो आप देख रहे हो यहां पर 90 का यूज हो रहा है, यानी कि दरवाजा जो यूज हो रहा है वो 90 वाला यूज हो रहा है। आपने ये नहीं देखा प्लस माइनस हो रहा है, ये मैटर नहीं कर रहा, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है मैटर नहीं कर रहा, दरवाजा कौन सा यूज हो रहा है, 90 वाला यूज हो रहा है। तो पहली बात, कौन सा डोर हमने यूज करा, ऑड डोर यूज करा, ऑड डोर यूज करा, नाम चेंज होगा, मतलब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा, सीकेंड का क्या हो जाएगा, कॉसिकेंड थीटा, और कॉसिकेंड का क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा। पहला क्वेश्चन था कौन सा डोर हमने यूज करा, द डोर दैट वी यूज्ड इज ऑड सो द नेम विल चेंज, ये पहली बात हमारी खत्म। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, बेटा मैंने आपको बताया चार जगह है, 0, 90, 180, 270 और 360। 90 में से अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो हम पहले कमरे में आ जाएंगे। हाँ जी, अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, हम कौन से कमरे में बेटा इस समय पर? हाँ जी राय गोविंद, कौन से कमरे में बेटा? सर हमें सर अभी ड्राइंग रूम में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम में सबकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। आपने इसीलिए 10th क्लास में कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात आपको पढ़ाई नहीं गई, आप उसी तरह से रखवाते, लेकिन क्योंकि अब आप 11th क्लास में आ गए, अब हम सेकंड कमरे में, थर्ड कमरे में, फोर्थ कमरे में भी जाएंगे। 10th क्लास में आपको सिर्फ पहले कमरे में रखा गया था, इसलिए कुछ पढ़ाया नहीं गया था। अब मैं सेकंड रूम में जा रहा हूँ, यानी कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, रूम मैं बोल रहा हूँ, रियल में उसका नाम क्वाड्रेंट। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके, एक तो 90 वाले रास्ते को यूज करके, 90 में मैं प्लस करूं तब सेकंड में जाऊंगा, 90 में से माइनस करूं तब सेकंड में जाऊंगा। राय गोविंद जवाब। यस सर। 90 में प्लस करूं तब सेकंड कमरे में जाऊंगा या 90 में माइनस करूं तब सेकंड कमरे में जाऊंगा? सर माइनस करोगे सर? नहीं बेटा, माइनस करेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, प्लस करेंगे तो हम आगे आएंगे, क्योंकि हम तो ऐसे ही चल रहे हैं ना, मैंने आपको बताया हम इसी रास्ते पे यूं चल रहे, तो आगे बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे ना, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। मैंने कहा था हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे, तो हम 90 प्लस थीटा करेंगे, पहली बात साइन 90 प्लस थीटा, ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के बेटा ये दो रास्ते, कॉट 90 प्लस थीटा, सेकंड 90 प्लस थीटा एंड कॉसेकंड 90 प्लस थीटा। पहले मैंने इसको लिख लिया। अब मेरा क्वेश्चन दोबारा वही है आपसे, दो क्वेश्चन आपने मन से पूछने हैं। पहली बात, कौन से दरवाजे का आपने यूज करा, ऑड या इवन,
आंसर। हाँ जी राय गोविंद, इवन दरवाजे का यूज करें ऑड दरवाजे का यूज करें सेकंड कमरे में जाने के लिए? सर इवन। हाँ जी सर इवन इवन कहाँ है बेटा, 90 और 270 ऑड थे राजे, पढ़ जरा पीछे पेज पे लिखा भी है। यस सर फिर इवन कैसे हो गया दरवाजा? यस सर जीरो को हटा के सोचा करना हमेशा। हाँ जी बेटा इवन है ऑड है? ऑड है ऑड दरवाजा, नाम चेंज होगा नहीं होगा? ऑड होगा सर। दरवाजा ये डिसाइड करता है, नाम चेंज होगा नहीं होगा। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टेन का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा? टेन थीटा। सेकंड का क्या हो जाएगा? कॉसेकेंड थीटा। और कॉसेकेंड का क्या हो जाएगा? सेकंड थीटा। पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब बताओ ये कमरा कौन सा है? ये कमरा वाला कौन सा है बेटा? पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा कमरा है? सर ये सेकंड क्वाड्रेंट है सर। सेकंड कमरा है। सेकंड कमरे में किस किस की वैल्यू पॉजिटिव थी? और किसका किसका कमरा है ये? मम्मी और पापा का कमरा है। यस सर यस सर। मम्मी और पापा का नाम क्या है? सर साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेकेंट थीटा, ये दो है नाम। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? यहाँ मत देखना, यहीं पर ही देखना। साइन क्या होता है? पॉजिटिव। कॉस क्या होता है? नेगेटिव। टेन क्या होता है? नेगेटिव। कॉट क्या होता है? नेगेटिव। सीकेंट क्या होता है? नेगेटिव। और कॉसेकेंट क्या होता है? पॉजिटिव। तो यानी कि जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारी वैल्यूज इस तरीके से वर्क करेंगी। अब मैं सेकंड कमरे में आने का दूसरा रास्ता बता रहा हूँ आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में आने का, सेकंड क्वाड्रेंट में आने का दूसरा रास्ता क्या क्या है? वो साइन 180 माइनस थीटा। 180 हमारा यहाँ पर होता है, 180 से पीछे आऊंगा तब तो सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा। जब पीछे आऊंगा तो क्या करूंगा? माइनस। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सीकेंट 180 माइनस थीटा और कॉसिकेंट 180 माइनस थीटा। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, अगेन आई विल बी आस्किंग टू क्वेश्चंस। पहली बात, कौन से दरवाजे का मैंने यूज करा बताओ? अब दरवाजा इवन है या ऑड है बेटा? जीरो को हटा के सोचो। सर हम 180 में जा रहे हैं ना सर। सर तो बोलो बेटा। सर हम 270 में जा रहे हैं ना इसके मतलब। नहीं नहीं बेटा, 270 को गोली मार, यहाँ नाम देख यार। सर इवन में हुआ 180 ना से हम सर। पीछे आ रहे हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। सर इवन में 270 हुआ को ना गोली सर। मार, 270 मत देख, यहाँ पे सिर्फ नाम देख बस। अब सर इवन ही हुआ सर फिर। इवन दरवाजा है, अगर ये इवन दरवाजा है तो नाम चेंज होगा क्या? ओ सर नाम चेंज नहीं होगा। मतलब साइन का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा, टेन का टेन थीटा ही रहेगा, कॉट का कॉट थीटा ही रहेगा, सीकेंड का सीकेंड थीटा ही रहेगा और कॉसेकेंड का कॉसेकेंड थीटा ही रहेगा। नाम चेंज नहीं होगा। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन, कौन से कमरे में हो आप? तीसरे तो थर्ड कैसे क्वाड्रेंट तीसरे में राजे? 180 में से माइनस करेगा तो कौन से कमरे में आएगा यार तू? यहाँ पर तो खड़ा हो 180 में, 180 से तो कुछ माइनस करेगा तो पीछे आएगा, आगे चला जाएगा। पीछे जाऊंगा सर तो सेकंड मैंने वाले में। बताया आगे जाने पर हम प्लस करते हैं बेटा, पीछे जाने पर हम माइनस करते हैं बेटा। अगर आप माइनस कर रहे हो मतलब वापस जा रहे हो, प्लस कर रहे हो मतलब आगे जा रहे हो। अगर आप 180 पे जाके खड़े हुए और 180 में से कुछ भी माइनस करोगे, पीछे आ जाओगे आगे चले जाओगे? सर पीछे जाऊंगा सर। सर पीछे जाओगे। कौन सा कमरा है पीछे 180 से पीछे? वो सेकंड क्वार्टर सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में दोबारा बताओ किस किस की वैल्यू पॉजिटिव है? सेकंड सर सेकंड क्वार्टर में सर साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तो माइनस 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 और ये दोनों पॉजिटिव। बात समझ में आती है बेटा यहाँ तक? चल यस सर। बेटा पहले तो इसको कॉपी कर, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। अभी मेरे को लग रहा है तेरे को डाउट आ रहे हैं कुछ ना कुछ। कहाँ डाउट आ रहा है बेटा मुझे बता, मैं तेरे को दोबारा समझा देता हूँ राजे। सर अभी सर लिख राय रहा हूँ सर। गोविंद, यस सर यस सर। कहाँ डाउट आ रहा है मुझे बता, मैं दोबारा समझा देता हूँ। सर वो प्लस माइनस पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी बस। बेटा कुछ नहीं है, देख मैं तेरे को दोबारा लिख के देता हूँ चारों चीजें। तेरे को कंफ्यूजन हो रही है? ये जीरो, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। अगर तू 90 पे खड़ा हुआ है और कुछ माइनस करेगा तो वापस आ जाएगा ना, जो होता है 90 माइनस थीटा।
यस सर, अगर तू 90 पे खड़ा हुआ, 90 से आगे जाना चाहता तो 90 प्लस ही था, यहाँ से पीछे आएगा तो 180 माइनस ही था, यहाँ से आगे जाएगा तो 180 प्लस ही था। मैंने तेरे को बताया था हम घूम ऐसे रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो जब हम ऐसे चल रहे हैं तो आगे जाएंगे तो पॉजिटिव, पीछे जाएंगे तो नेगेटिव। योगा 270 माइनस सीटा, योगा 270 प्लस सीटा, योगा 360 माइनस सीटा, और योगा 360 प्लस सीटा, खत्म। इसी में दिक्कत इन है सब मेरी। चीजों को भी कॉपी कर रहे। हर कमरे में जाने के दो दो रास्ते हैं ना, या तो यहाँ से आगे जाएं या फिर यहाँ से पीछे जाएं, यहाँ से आगे जाएं यहाँ से पीछे जाएं। ठीक है, कॉपी कर, कोई बात नहीं, अगर स्टे डाउट आएगा तो मुझसे दोबारा पूछ ले बेटा, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। लिख लिया सर, तो कॉपी कर लिया। पहले से सर थोड़ा थोड़ा लिख रहा था सर, थोड़ा थोड़ा। देख बेटा ये जो मैंने ये लिखा है इसको भी दोबारा लिख दे। ठीक है सर, इसको लिख रहा सर, इसको लिख रहा हूँ सर, जो आपने लिखा। हाँ लिख ले रहा, बेटा अगर कोई बात समझ नहीं आती मुझसे दोबारा पूछ लिया करना। मैंने ठीक तेरे है को सर, पहले भी कहा था मत बैठा कर, पूछता रहा कर, कोई बात नहीं, क्या होगा दोबारा बताना पड़ेगा, दोबारा बताएंगे। लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फिर आप गलत जवाब देते क्या लग सकता है? आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, 10 बार पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जब सर, आपने ओके कर दिया मतलब आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया मुझसे दोबारा बोल सकते रहेगा, दोबारा बताओ मैं दोबारा बताऊंगा बेटा, मेरा काम है बेटा ये बताने। आप अगर कहोगे ना मैं हर बार लिख भी दूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का क्या तरीका, थर्ड का क्या, उससे भी मैं समझा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, दोबारा दोबारा बता। ठीक है सर, सर लिख लिया सर। ठीक ओके चलो बेटा अब हम आगे चलते हैं। राजे देख ध्यान से सुन बेटा, ये हमारे चार क्वाड्रेंट, यहाँ पर हम खड़े हैं 180 पर, ये 270। मैं 180 से आगे जा रहा हूँ मतलब 180 प्लस सीधा, यहाँ से पीछे आ रहा हूँ मतलब 270 माइनस। तो थर्ड कमरे में जाने के दो रास्ते, एक 180 प्लस सीटा और एक 270 माइनस सीटा। तो पहली बात 180 प्लस सीटा, ठीक है, 180 में प्लस कर रहे हैं मतलब थर्ड कमरे में जा रहे हैं। सीकेंड 180 प्लस सीटा और कोसिकेंड 180 प्लस सीटा, और दूसरा तरीका है थर्ड कमरे में जाने का साइन 270 से पीछे मतलब 270 माइनस सीटा, कॉस 270 माइनस सीटा, टेन 270 माइनस सीटा, कॉट 270 माइनस सीटा, सेक 270 माइनस सीटा। अगेन वी विल आस्किंग टू क्वेश्चंस। नंबर वन, विच डोर वी यूज, कौन सा दरवाजा आप यूज कर रहे हैं, इवन या ऑड? इवन इवन। नाम चेंज होगा क्या बेटा? सर, इसमें बोल रखा है सर टैन थीटा और कॉट थीटा। नहीं सर, नाम तो चेंज नहीं होगा सर इसके अंदर। नाम चेंज नहीं होगा बेटा, पहली यस सर, नाम चेंज नहीं बार नाम होगा। चेंज नहीं होगा। साइन थीटा रहेगा, कॉस का कॉस थीटा रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेकेंड का सेकेंड रहेगा, और कॉसेकेंड का कॉसेकेंड रहेगा। पहले क्वेश्चन का यस आंसर सर, हमारा खत्म हो गया। यस सर, सर दूसरा दूसरे क्वेश्चन वाले बेटा, में कौन होगा सा सर। कमरा है? थर्ड, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, अभी आपने बोल रहे थे, ठीक है, तो यस सर, ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव, और बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। यहां मत देखना, इन नामों को मत देखना, इन्हीं नामों को देखना, साइन कॉस ठीक नेगेटिव, है सर, सीकेंट कॉसिकेंट नेगेटिव, ठीक है राजे? अब बताओ
यहाँ पे कौन सा दरवाजा यूज हो रहा है, ऑड या इवन? सर ऑड। ऑड, नाम चेंज होगा, ठीक है। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टेन का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा? टेन थीटा। सीकेंट का क्या हो जाएगा? कॉसिकेंट थीटा। और कॉसिकेंट का क्या हो जाएगा? सीकेंट थीटा। मैंने आपको नाम चेंज बताए थे कैसे कैसे। यस सर, यस सर। अगेन दूसरा क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, हमने ऑड दरवाजे का यूज। दूसरी बात, कौन से कमरे में? थर्ड। थर्ड में टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब क्या है? नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव, ठीक है राजी? Yes, यहाँ तक बात समझ में आती है? Yes, sir. अब आगे बढ़ते। अब बेटा जा रहे हैं हम फोर्थ कमरे में। फोर्थ कमरे में जाना है, फोर्थ कमरा मतलब कि यहाँ पर आने के दो रास्ते हैं, 270 से आगे जाएंगे और 360 से पीछे आएंगे, यानी कि 360 माइनस सीटा और 270 प्लस सीटा। दो ही रास्ते हैं इधर आने के, दो दरवाजे हैं हमारे पास, या तो हम यहाँ से आगे जाएं या फिर यहाँ से पीछे आए, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे कैसे आएंगे बेटा। साइन 270 प्लस सीटा, कॉस 270 प्लस सीटा, टेन 270 प्लस सीटा, कॉट 270 प्लस सीटा, सीकेंट 270 प्लस सीटा, कॉसिकेंट 270। ये कमरा है किसका? ऑड का है। ये कमरा है चाचा और चाची का, ऑड, ठीक है। चाचा और चाची के नाम क्या कहते हैं? चाचा और चाची का नाम था कॉस और सेक, ठीक है, कॉस और सेक। अब दूसरा रास्ता जो है इसमें आने का वो भी देख लेते हैं। साइन 360 माइनस सीटा, कॉस 360 माइनस सीटा, टेन 360 माइनस सीटा, कॉट 360 माइनस सीटा, सेक 360 माइनस सीटा, कॉसिकेंट 360 माइनस सीटा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन दोबारा, मैं हमेशा मन में दो ही क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन, कौन से दरवाजे का हमने यूज करा बताओ? ऑड या इवन? ऑड। अगर ये ऑड दरवाजा तो नाम चेंज होगा। yes, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस का साइन थीटा। टेन का कॉट थीटा। कॉट का टेन थीटा। सीकेंट का कॉसिकेंट थीटा और कॉसिकेंट का सीकेंट थीटा। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन, कौन से कमरे में बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कौन कौन पॉजिटिव है? कॉस पॉजिटिव है और सेक थीटा, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये सब क्या नेगेटिव। अब यहाँ पे मत देखना सर, ये सेक नेगेटिव कैसे हो गया, इधर मत देखना, इधर ही देखना। कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, यहाँ वाले नामों को नहीं देखना, इधर वाले नामों को ही देखना जो अंदर घुस रहा है, यानी कि कमरे में जो एंटर कर रहा है उसी की बात करेंगे, कमरे से जो बाहर निकला है उसकी बात नहीं करें। नाम चेंज हो गया बात, ठीक है। अब बताओ यहाँ की बात करते बेटा, ये बताओ मुझे राजे, कौन सा दरवाजा यूज हो रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन इवन और इवन, इवन। तो साइन का क्या रहेगा? साइन थीटा। कॉस का क्या रहेगा? कॉस थीटा। टेन का टेन थीटा। कॉट का कॉट थीटा। सीकेंट का सीकेंट थीटा और कॉसिकेंट का कॉसिकेंट थीटा। कौन सा कमरा है बेटा? फोर्थ। यस कॉस सर। और सेक पॉजिटिव, यस सर। बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। यस सर। हाँ जी बताओ बेटा, बात समझ में आती है राजे? यस सर। अब आप एक बात और सुनो जो मैंने आपको पहले बोली थी लेकिन अभी तक बताई नहीं। देखो बेटा ये दरवाजे थे, ये सब दरवाजे मैं बार बार बोल रहा हूँ, सर आप दरवाजे को लेकर कभी घूमते फिरे, दरवाजे को छोड़ दिया? छोड़ दिया। हमारा साइन कॉस भी उधर गया लेकिन 270 और 360 को हमने यहाँ पे कभी यूज नहीं करा, क्योंकि दरवाजा दरवाजा सिर्फ यूज करा जाता है, दरवाजा सिर्फ यूज करा जाता है, दरवाजे को हम लेके घूमते नहीं तो दरवाजा छूट जाता, ठीक है बेटा? बात समझ आती है राजे यहाँ तक? यस सर। दैट्स इट बेटा, इसको कॉपी कर ले ठीक और है मुझे बता अगर कोई डाउट आ रहा है तो दोबारा समझा देता हूँ। नहीं सर, सर आपका सर वो वाला चार्ट ने सर ठीक कर दिया सर सारे डाउट। हाँ जी बेटा, सर आपने सर जो माइनस प्लस वाला चार्ट दिया था ना सर मेरे को, उसने ठीक कर दिया सर सारे डाउट सर माइनस प्लस कोई वाला। बात नहीं बेटा, डाउट आता रहा दोबारा पूछा करना, दोबारा समझाऊंगा, मुझे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मुझसे दोबारा पूछा करो, मैं आपको बार बार पहले दिन भी बोला था बेटा, जब कभी कोई भी डाउट आए इमीडिएटली पूछो सर, डाउट आता दोबारा बताऊंगा, मेरा काम है बेटा। मैं तभी आगे बढ़ता हूँ जब बच्चा मुझे कहता है सर ओके, बच्चा ओके नहीं बोलता ना मेरे को कोई दिक्कत, क्या हो जाए, क्लास वेस्ट हो जाएगी, दोबारा समझाना पड़ जाए, दोबारा समझा दो।
मुझे कौन सी आफत आ रही है, मेरा काम है बेटा, बिजनेस ही है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझाना। जैसे कॉपी हो जाए मुझे बता दियो राजी। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग बेटा बंद करनी है, कर दे।